दोस्तों आज हम नागौर जिले में स्थित विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में आए हैं। दोस्तों यह गौशाला देश की ऐसी गौशाला है जहां पर OT और ICU इस गौशाला में उपस्थित हैं। तथा इस गौशाला के संचालक स्वामी कौशलगिरी महाराज ने बताया है कि 2008 में पाली में स्थित देसूरी गांव में एक घायल बछड़ी मिली थी जो आज भी जिंदा है और इस गौशाला में डेली का खर्च 3 लाख रुपए का होता है। दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वेटनरी कॉलेज की स्टूडेंट भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर गायों की ब्लड जांच करने की मशीन भी है। और दोस्तों यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। दोस्तों जो ये सामने समाधि देख रहे हैं, हाँ ये उस गाय की समाधि है जो इस गौशाला में पहली गाय लाई गई थी जो 2 महीने पहले वो ख़त्म हो गई है, उसकी यहाँ पे समाधि बनाई गई है जहाँ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ये देख सकते हो आप समाधि उस गाय की जो इस गौशाला में पहली बार लाई गई थी, उसका नाम काम देना है उस गाय का समाधि बनाई गई है। इस गाय की समाधि पर कुल टोटल खर्चा 50 लाख रुपए का आएगा जो यहाँ के वर्करों ने बताया है कि आने वाले समय में इस समाधि को भव्य तरीके से बनाई जाएगी जिसमें 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। काम देनु गाय की समाधि पर जो अपनी मन्नतें मांगता है उनकी मनोकामनाएं पूरी अवश्य होती है। तो आप भी सभी इस गौशाला में जाकर इसका आनंद उठाए कि कैसी है, यहाँ पे साफ सफाई का इतना ध्यान रखा, आप जाके देखें एक बार। धन्यवाद वीडियो हमारा देखने के लिए।